देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सपना मुकेश। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कच्ची हल्दी से हल्दी पाउडर कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये हल्दी कच्ची है और ये सब्जी बाजार में मिलती है। सब्जी बाजार में बड़े आसानी से मिल जाती है। इसे हमने धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसे हमें कैसे सुखाना है और फिर उसका हल्दी पाउडर बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसको हम एक प्रकार से तो इस प्रकार से बिल्कुल बारीक बारीक पीस कर लेंगे। और ये कच्ची हल्दी रहती है तो बहुत जल्दी से कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। चाकू से इस प्रकार से हम बारीक बारीक पीस कर लेंगे। चाहे तो आप और भी छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, जैसे चिप्स बनाने की रहती है मशीन, इससे भी हम इसको किस सकते हैं। क्या है ये बहुत बेस्ट तरीका रहता है। इस प्रकार से हम किसते हैं तो देखिए बहुत पतले पतले चिप्स बन जाती है, तो ये सूखने में बहुत आसानी रहती, आसान तरीके से सूख जाती है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। एक तरीका मैं और आपको बताऊंगी। जी इस प्रकार से एक कार्टन के कपड़े में फैला देंगे या थाली वगैरह में फैला देंगे सब। और ये कद्दूकस करने की किसनी है, इसे छोटा साइज है इसलिए मैं छोटे से कर रहे हैं। चाहे तो आप यदि इस टाइप से जो बड़ी रहती हैं इससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इससे बता रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से किस जाती है। देखिए इस प्रकार से। और एक चौथा तरीका ये है, मैंने करके रखा था, ये सूख गई है। इमान दस्ता वगैरह रहता उससे हमने कोट लिया और देखिए फटाक से टूट जाती है। जिस प्रकार से हम इसको जितना छोटा करें टूट जाती, तो ये मिक्सी में आराम से पिस जाती, इजीली तरीके से पिस जाती। तो एक तरीका, चौथा तरीका ये हो गया। इस प्रकार से मैंने आपको चार तरीके से हल्दी को सुखाना बताया है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अप्लाई कर लीजिए। जी सभी हल्दी हमने इस प्रकार से इसलिए क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है। और ये हल्दी क्या सेम डे में सूख जाती है, यदि तेज धूप मिल जाती है तो सेम डे में सूख जाती है। अब मैं क्या करूंगी, इसे धूप में फैला दूंगी और एक पतला कपड़ा ऊपर से डाल दूंगी तो जिसमें धूल नहीं लगेगी। ये हल्दी जो मैंने सुखा के रखी, मैं आपको इसका पाउडर बनाना बता देती हूँ। हल्दी पीसने के लिए हमें ये वाला जार लेना रहता है। इस कटर में हम हल्दी को पीसेंगे। हल्दी को हमने पीस लिया है और अब हम इसे छानेंगे। और हल्दी हमें जब बाजार में जाने जाते हैं लेने के लिए, तो जो एकदम लाल हल्दी दिखती है कच्ची हल्दी, वो ही लेना है। और दोस्तों मैंने एक वीडियो और सूखी जो हल्दी रहती बाजार से हम लेके आना रहता है उसकी भी वीडियो डाली है। और वो उसमें हल्दी का हमें कैसे चुनाव करना है कि एकदम हल्दी हमारी लाल कलर की रहती है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। तो ये अभी हमने हल्दी को जार से निकाल लिया है, अब इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और जो इसका ऊपर से का बस्ता, थोड़ा ही सा बस्ता क्योंकि उसे हमने बहुत ज्यादा अच्छे से पीसा है। जैसे हमारी हल्दी पूरी पीस जाती है उसके बाद भी है ना ये बस्ता है, तो इसको क्या करना है, फेंकेंगे नहीं। जैसे दाल वगैरह कभी हम बनाते हैं तो दाल में उबालते समय हम इसे जिस हिसाब से हमें डालना है दाल में, उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके इसे डाल सकते हैं। इस प्रकार से इसे हमें काम में लाना है, इसे फेंकना नहीं है। तो ये हमने हल्दी छान ली है। कच्ची हल्दी से हल्दी पाउडर कैसे बनाना है हमने आपको स्टेप टू स्टेप सभी चीजें बताई हैं। और आपको जो भी तरीका अच्छा लगे हल्दी सुखाने का, तो आप उस तरीके से सुखाइए। और उसके बाद अच्छी तरह से जब सूख जाए तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से आप इसे पीस लीजिए। और इसे आप लंबे समय तक, साल दो साल तक, एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। तो एक बहुत ही शुद्ध हल्दी बनकर तैयार हो गई है। आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करिए। और मैं एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों।